कोटा के रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। नाबालिग छात्रा का शव कोचिंग टीचर के मकान में मिला। छात्रा कोचिंग टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने गई थी। जब छात्रा वापस नहीं लौटी तो परिवारजनों ने कोचिंग टीचर के घर जाकर देखा तो कमरे का ताला लगा हुआ मिला। संदेह होने पर छात्रा के पिता ने कमरे का ताला तोड़कर अंदर देखा तो मासूम बेटी का शव पड़ा मिला। नाबालिग छात्रा के हाथ पैर बंधे हुए थे और गला घोटा हुआ था। हत्याकांड की सूचना आग की तरह शहर में फैल गई और पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। शहर एसपी केसर सिंह शेखावत के मुताबिक नाबालिग छात्रा पिछले 3 साल से कोचिंग टीचर के यहां पर ट्यूशन लेने आ रही थी। आज भी बालिका ट्यूशन पढ़ने आई थी। बेटी जब वापस नहीं लौटी तो पिता ने ट्यूशन टीचर को कॉल किया तो उसने छात्रा के टेस्ट होने का कहकर छात्रा के लेट आने की बात कही। जब छात्रा दोपहर 1:30 बजे तक वापस नहीं लौटी तो पिता ट्यूशन टीचर के घर पहुंचा तो घर के अंदर उन्हें बेटी का शव मिला। ट्यूशन टीचर मौके से फरार हो गया। अभी तक ट्यूशन टीचर गौरव जैन का पता नहीं चल पाया है। वारदात से गुस्साए इलाके के लोग वो व्यापारी भी रामपुरा कोतवाली और अस्पताल की मोर्चरी पर एकत्र हुए। वही सूचना मिलने पर कांग्रेस नेता अमित धारीवाल भी परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए रामपुरा कोतवाली पहुंचे और परिजनों को दिलासा दिलाया और पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करने की मांग की। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची अपने घर के पड़ोस में परिचित परिवार के एक लड़के के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। 3 साल से रेगुलरली उसके पास ट्यूशन पढ़ती थी। सामान्य तौर पर वो बच्ची 11:30 बजे तक आ जाती थी। जब आज वो आई नहीं तो उसके परिजनों ने उस टीचर से संपर्क किया तो उसने कहा कि आज उसका टेस्ट है तो 1:30 बजे तक आ पाएगी। जब उस समय के बाद भी जब वो बच्ची नहीं आई तो उसके पिताजी वहाँ पर उसको तलाश करने गए तो जिस कमरे में ट्यूशन पढ़ाते थे उस कमरे के ताला लगा हुआ मिला। बच्ची की चप्पल बाहर थी। उसके पिता को संदेह होने पर उसका ताला तोड़ करके चेक किया गया तो बच्ची का गला घोटा हुआ एक खिड़की के बंधा हुआ मिला। हाथ बंधे हुए थे। जो मौके के हालात हैं उससे लगता है कि उसका स्ट्रैंगुलेशन के बाद में उसको बांधा गया है। अभी पूरी घटनाक्रम की जानकारी वास्तविक रूप से तो पोस्टमार्टम के बाद सामने आ पाएगी। सर कोई गलत अनहोनी की भी बात? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में क्योंकि अभी PMR से जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कुछ कहा जाना संभव होगा। आज जैन समाज की बच्ची के साथ में जैन समाज के ही एक व्यक्ति द्वारा जिस प्रकार का कर्तव्य किया गया है इसका पूरे राजस्थान में पूरा आक्रोश है और जैन समाज ही नहीं साथ में पूरे समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी समाज के लोगों में आक्रोश है और प्रशासन पूरी तैयारी के साथ उसको पकड़ने में लगा हुआ है और उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी शीघ्र पकड़ करके और इतनी कठोर सजा दी जाए कि इसके पश्चात कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कृत्य करने के पीछे 100 बार सोचे। और मैं 16 साल की बच्ची थी उसके साथ में बहुत घिनौनी हरकत हुई है और बहुत निंदनीय हरकत हुई है। इसके लिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किन शब्दों के अंदर बोलूँ। ऐसी घटनाएं दोबारा कभी नहीं हुए इसके लिए प्रशासन और पुलिस को से सबसे बात करी है। SP साहब से भी बात करी है। यहाँ पे अंकित जी भी हैं और दूसरे एडिशनल SP वगैरह सभी हैं यहाँ पे और कोशिश यही रहेगी प्रशासन की और दबाव इसी तरीके का बनाया जा रहा है कि विद इन 24 आवर्स मुलजिम को पकड़ाई में आए और सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर होए। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।